दोस्तों, आईपीएल साल 2022 का सीजन शुरू होने में अब काफ़ी कम समय रह गया है। मेगा ऑक्शन की बात करें तो देखते ही देखते दोस्तों काफ़ी नज़दीक आ गया है। केवल 2-3 दिन के अंदर हमें मेगा ऑक्शन लाइव देखने को मिलने वाला है। एक स्पेशल वीडियो सभी फैंस के लिए, सभी व्यूअर्स के लिए आने वाली है कि कैसे वो पूरी दुनिया के अंदर अगर वो कहीं भी हैं तो कैसे फ्री में वो लाइव ऑक्शन देख सकते हैं। बट दोस्तों, रोज की तरह आज की वीडियो में हम बात करेंगे केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के बारे में। और टीम केकेआर की दिन भर में काफ़ी सारी अपडेट्स बाहर निकल है, काफी टॉप और ट्रेंडिंग अपडेट्स में आपको बताऊंगा। काफी मेहनत और काफी एफर्ट्स लगते हैं रोजाना आप सभी फैंस के लिए अपडेट्स लाने में। खासकर दोस्तों टीम केकेआर की तरफ से कुछ बुरी खबरें भी आ रही है, तो सब कुछ आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार, बहुत ही एंटरटेनिंग होने वाली है। वीडियो को स्किप मत करना और आप सब लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, अगर आप भी हैं आईपीएल के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा आईपीएल की लेटेस्ट न्यूज के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों, मैं आपको दुनिया का सबसे बेहतरीन फैंटेसी ऐप माई 11 सर्कल के बारे में बताना चाहूंगा, जिसके अंदर बड़े बड़े ब्रांडेड मिस्टर जैसे वीएस लक्ष्मण, सौरभ गांगुली और अजिंक्य रहाणे का ट्रस्ट मिलता है। इसके अलावा इंडिया और वेस्ट इंडीज की सीरीज में आपको 1500 रुपए वेलकम बोनस मिलेगा नीचे दिए हुए लिंक से। साथ ही साथ नीचे दिए हुए लिंक से अगर आप अभी ऐप डाउनलोड करते हो तो आपको 5 गुना आपकी विनिंग का मिलेगा। अगर आप वीवीएस लक्ष्मण की टीम को हराते हो तो आपको 10% एक्स्ट्रा कैश भी मिलने वाला है। हमारी टीम आज आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, तो देर किस बात की है, डाउनलोड करें नीचे दिए हुए लिंक से माई 11 सर्कल। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। दोस्तों, टीम केकेआर के लिए मेगा ऑक्शन से पहले सबसे मेन मुश्किलें 3 ही होने वाली है, ओपनिंग, विकेट कीपिंग और कप्तानी। ये हम आपको ऑलमोस्ट हर दिन बताते हैं, हर वीडियो के अंदर पॉइंट कवर करते हैं। आप कमेंट करके जरूर बताओ इन 3 परेशानियों के अलावा क्या आपको लगता है केकेआर के अलावा कोई 4थी 5वीं और भी परेशानियां हैं। खैर, टॉप अपडेट्स की बात करें तो पहले उठे टारगेट दिनेश कार्तिक को लेकर, तो एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दिनेश कार्तिक की तरफ से निकल कर आ गई है। दोस्तों, केकेआर के एक्स कैप्टन रह चुके हैं दिनेश कार्तिक, यहाँ पर दोस्तों एक बार प्लेऑफ्स में भी लेकर गए थे टीम को, बट उसके बाद इनका प्रदर्शन काफ़ी बुरा रहा था। फिर ऑयन मॉर्गन को इन्होंने डेढ़, मतलब कहे जाए तो यहाँ पर दोस्तों हाफ सीजन के अंदर कप्तानी दी थी। अब वो सब पास्ट की बात है, अब उसको भूल जाते हैं। दोस्तों, दिनेश कार्तिक की अगर बात करें तो रिसेंटली उनका इंटरव्यू लिया गया, अगर बात करें उनके रिसेंट स्टेटमेंट की तो ये काफ़ी फैंस को शॉक भी कर सकता है। दोस्तों, जब उनसे पूछा गया कि आप किस टीम में खेलना चाहेंगे तो यहाँ दिनेश कार्तिक ने बोला कि मुझे जो टीम चाहिए शायद वो पिक करना बहुत ही मुश्किल हो, शायद मेरे जैसी कोई टीम हो नहीं जिसके अंदर मैं खेलना चाहूँगा। बट यहाँ महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स एक ऐसी टीम है जिसके अंदर वो साल 2022 का आईपीएल सीजन खेलना चाहते हैं। और मज़े की बात यह है कि इन्होंने एक बार भी इस डिस्कशन में केकेआर का नाम तक नहीं लिया, और यहाँ केकेआर की टीम इनको वापस दिनेश कार्तिक को विकेट कीपर के तौर पर चुन रही है। आप कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको लगता है दिनेश कार्तिक को अब लेना चाहिए 3 सालों के लिए या फिर टाटा गुड बाय कर देना चाहिए। अगली अपडेट निकल के आ रही है मॉक ऑक्शन को लेकर, तो मॉक ऑक्शन की अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ केकेआर ने साल 2019 की मेमोरीज शेयर की थी कि किस तरह मॉक ऑक्शन यहाँ स्टार्ट हुआ था, उसके अंदर क्या क्या हुआ था, उसके अंदर क्या क्या बातचीत हुई थी। अब यहाँ मेमोरीज को रख देते हैं हम एक कोने में। रीसेंट अपडेट की बात करें तो मॉक ऑक्शन के जो 30 मेंबर सेलेक्ट किए गए हैं उनका राउंड 2 भी अब खत्म हो चुका है और रिजल्ट्स आने वाले हैं कि क्या क्या बातचीत हुई है, क्या क्या नहीं हुई है। बट यहाँ दोस्तों केकेआर ने ऐसा क्लेम किया है कि उनको काफ़ी ज़्यादा फ्रेश माइंड से काफ़ी ज़्यादा आइडिया मिले हैं जो मेगा ऑक्शन में उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। खैर, लास्ट अपडेट निकल के आ रही है बैड न्यूज़ को लेकर, तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हर एक टीम यहाँ पर टारगेट करने वाली है बड़े बड़े प्लेयर्स को मेगा ऑक्शन के लिए। बट रिसेंटली अगर बात करें तो यहाँ टीम केकेआर की तरफ से कुछ ऐसे प्लेयर्स भी बाहर निकल गए हैं जिनके ऊपर अब वो केकेआर की पहुँच से बाहर हो चुके हैं। तो कौन से हैं ये प्लेयर्स दोस्तों? इन ये 3 प्लेयर हैं, इन तीनों ही प्लेयर के नाम है देवदत्त पाटिकल, दिनेश कार्तिक और श्रेयस अय्यर। तो ये 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जो केकेआर की टीम में अब शायद ना आ पाएं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। दोस्तों, 10% एक्स्ट्रा कैश और 1500 रुपये वेलकम बोनस फ्री में पाने के लिए अभी डाउनलोड करें माई 11 सर्कल। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी जरूर लाइक कर देना।